हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग स्मार्ट क्लास सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं और उसके लिए यह वीडियो आवश्यक है। स्मार्ट क्लास के तहत हमें कुछ सामग्री प्राप्त हुई है जिसका चालान ऑनलाइन हमें NBDI UP पोर्टल पर लॉगिन करके दर्ज करना है। तो हम पोर्टल के डैशबोर्ड पर जब जाते हैं तो पोर्टल कुछ इस तरीके से खुल के आता है। यहाँ पर NBDI UP.in आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। यहाँ पे पहले कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिक डिपार्टमेंट UPLC BSA सर और BO सर की लॉगिन ID है, उसके नीचे आपको स्कूल लॉगिन ID मिलेगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने स्कूल का ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। स्कूल का ID और पासवर्ड पहले से जेनरेट किया हुआ आपके ब्लॉक संसाधन केंद्र से आप तक पहुंच चुका होगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो BRC से संपर्क करके इसे रिट्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये पासवर्ड ऑलरेडी आपके पास होगा। तो ये पासवर्ड आप अपने पास सुरक्षित रखें, इसकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी। यहाँ पर मैं अपना लॉगिन पासवर्ड इंटर करके मैं प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता हूँ। तो प्लेटफॉर्म पर जब आप कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने खुल कर आएगा। यहाँ पर आप ये देखें कि अभी आपका, चूंकि हमने स्कूल ID लॉगिन की है तो नंबर ऑफ स्कूल 1 है और 1 इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी अभी नहीं है। और नीचे आप देखेंगे तो अभी असेसमेंट के तौर पर आपके पास सामान में 0 दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें चूंकि चालान के माध्यम से ये दर्ज करना है कि हमें सामान मिल चुका है, तो यहाँ इन 3 लाइन्स को जब हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉपडाउन ओपन होगा। इसमें हमें ट्रांजेक्शन्स को क्लिक करना होगा जो तीसरे नंबर पर है। ट्रांजेक्शन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसीविंग द कंसाइनमेंट पर आपको जाना है, जो कि पहले ऑप्शन पर आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम रिसीविंग द कंसाइनमेंट को क्लिक करते हैं तो हमारा वो फॉर्मेट ओपन होता है जहाँ पर कि हमें दिखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम ऐड करेंगे। ऐड करने में जब आप जाएंगे तो पहले कॉलम को क्लिक करेंगे, उस कंपनी का नाम आएगा जिस कंपनी ने आपको ये मटेरियल दिया हुआ है। उसके बाद आप उसके कोड को फिर से सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, आपके उस सामान की SIP नंबर होगी, उसके बाद आपका चालान डेट होगा जो चालान डेट भेजी गई है। अब आपको नीचे वो डेट भरनी है जिस पर आपने वो सामान कंपनी से रिसीव किया है। अगर आपको ये डेट नहीं जानकारी है तो इसी फॉर्मेट पर ऊपर जहाँ पर व्यू एंड डाउनलोड चालान लिखा हुआ है, इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका वो कॉपी, हार्ड कॉपी यहाँ पर स्कैन करके अपलोड किया जा चुका है। इसे आप डाउनलोड करेंगे, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप व्यू करेंगे तो व्यू करने पर वो जो पेपर है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे लास्ट में सामान के बाद आपके विद्यालय के जो इंचार्ज या प्रधानाध्यापक हैं उनका साइन और डेट यहाँ पर मिलेगा। तो इस डेट को आप इस चालान के माध्यम से देख सकते हैं और इसे आप भर सकते हैं। इसको भर करके आप इसे नीचे सेव के सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। जब आपका सबमिट का बटन क्लिक हो जाएगा तो आपके सामने सक्सेसफुली आपने चालान सबमिट कर दिया है इस बात का नज आ जाता है और नज सक्सेसफुल सबमिटेड हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे आपके पास अब ये असाइनमेंट दिखाई देता है कि आपके विद्यालय में ये चीज़ उपलब्ध है। तो इसकी एक स्क्रीनशॉट आपको अपने उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को भेजनी है जिसने की चालान आप सामान आप तक पहुंचाया है। तो इस तरीके से अपने विद्यालय के स्मार्ट रूम की जो सूचना है वो NBDI UP पोर्टल पर आपको लॉगिन करनी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया दूसरों तक